हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावुन किया है। ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। ग्वादर के कदीमी तफरीही मकाम कुए बातिल पर ग्वादर में सदियों पुराना ईद मेले का इनेकाद किया गया। ईद मेले में ग्वादर समेत जिला केज, पंजगूर और कराची से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। ग्वादर में ईद के दूसरे रोज मुनाकिद होने वाले ईद मेला में मुख्तलिफ प्रोग्रामात रखे गए। ईद मेले में पसनी के लेवा ग्रुप, कराची के डांसर्स और कास बलूची म्यूजिक सुरूज ने मेला लूट लिया। ग्वादर ईद मेला को मसीहाए ग्वादर और ईद मेला के बानी डॉक्टर अजीज बलूच मरहूम के नाम मंसूब कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद बलूच और असिस्टेंट कमिश्नर ग्वादर अतर अब्बास का ग्वादर के तारीखी सकाफती ईद मेला के स्टेज पर आमद मुंतजमीन ने फादर ऑफ ग्वादर कप्तान जमील बलूच का इस्तकबाल किया। कप्तान ग्वादर ने ईद मेले के हजारों शुरका को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। ईद मेला कमेटी के अरकान कादर जान बलूच, यूनिस हुसैन और दिगर मेम्बरान से डिप्टी कमिश्नर ग्वादर ने मुलाकात की। डीसी जमील और एसी राजा ने स्टेज पर मौजूद फनकारों से भी मुलाकात की। ईद मेला के शुरका ने कप्तान ग्वादर जमील बलूच को ईद की खुशियों के दौरान अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया। जिला ग्वादर के इंतजामी सरबरा डिप्टी कमिश्नर ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद बलूच ने ग्वादर के तारीखी व सकाफती मेला ईद मेले के शुरखा से खताब करते हुए कहा है कि बहैसियत इंतजामी सरबरा सोचा के अमसाल अपने अवाम के साथ ईद गुजार दूं, पहली दफा अपने घर से दूर ग्वादर में ईद मना रहा हूं। यहां अपनाइयत और मोहब्बतें मिली हैं जो हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ग्वादर को अपना घर समझता हूं। ग्वादर के तारीखी और सकाफती ईद मेला की अपनी अहमियत है। इस मेले में अपने अवाम के साथ खड़े होकर बातें करना फख्र महसूस कर रहा हूं। कप्तान ग्वादर ने कहा कि ईद मेला मुंतजमीन ने बेहतरीन इंतजामात किए हैं। कप्तान ने फनकारों के फन की तारीफ की। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि आइंदा PSDP में ईद मेला के मकाम को जदीद तर्ज पर बनाने के लिए PC1 बनाया जाएगा ताकि शुरका धूप और गर्मी से बच सकें। उन्होंने कहा ईद मेला के लिए आने वालों की तकलीफ को मद्देनजर रखकर सड़क भी तामीर करवाएंगे। ग्वादर के तारीखी और सकाफती ईद मेला में पसनी के नामवर फनकारों ने बलूची सकाफती म्यूजिक लेवा पर परफॉर्म किया। फनकारों ने बलूची लेवा के दौरान बेहतरीन रक्स करके हाजरीन मेला को खूब महसूस किया। ईद के दूसरे रोज मकुरान बर समेत कराची और मुल्क के दिगर हिस्सों से सयाहों की बड़ी तादाद ने ग्वादर शहर का रुख किया। ग्वादर पहुंचने वाले सयाहों ने ग्वादर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात का दौरा किया। सयाहों ने कुए बातिल में तारीखी और सकाफती ईद मेला में भी शिरकत की। समंदर में ट्रालर्स की यलगार, डिप्टी कमिश्नर ग्वादर ने ईद के दूसरे रोज एक्शन ले लिया। डीसी की हिदायत पर महकमे फिशरीज ग्वादर जीवनी और उर्माडा ने बलूचिस्तान लेवीज फोर्स के एहलकारों के हमरा ईद के दूसरे रोज जिला ग्वादर के मुख्तलिफ समंदरी हदूद में ट्रालर्स माफिया के खिलाफ गश्त किया। ट्रालर्स को किसी सूरत ग्वादर की समंदरी हदूद में एंटर न होने दिया जाए। समंदर में जिस बीच के अंदर कोई ट्रालर देखी गई, मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की जाएगी। जिले इंतजामिया ने ट्रालर्स माफिया के खिलाफ जद्दोजहद के अज़्म का इज़हार कर दिया। पसनी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन ईद के दौरान भी जारी। कार्रवाई के दौरान वार्ड नंबर 4 पसनी के रिहायशी मंशियात फरोश समीर सादिक को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से क्रिस्टल और चर्स बरामद कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोस्टल हाईवे सुरबंदन क्रॉस पर पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादम हादसे में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और कराची से ग्वादर आने वाली मोटरसाइकिलों से लदे ट्रक को हादसा पेश आया। ट्रक को हादसा कोस्टल हाईवे एंगुल द्राचकश के मकाम पर पेश आया। जराए ने बताया कि ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से हादसे का शिकार हो गई। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।